गुड मॉर्निंग बी सी सेकेंड ईयर इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है uh, अभी जो मैं ये आपको वीडियो देने जा रहा हूँ ये सटरडे का जो मैंने पीडीएफ uh, आपको भेजा था उसका ये वीडियो है और आज का जो पीडीएफ आज का जो क्लास है uh, उसका मैं वीडियो आपको वही 12 से डेढ़ बजे के बीच में पीडीएफ और पीडीएफ के साथ साथ आज का वीडियो भी आपको मिल जाएगा तो अभी जो सैटरडे का मैंने पीडीएफ आपको भेजा था उसका वीडियो चलिए एक बार समझ लेते हैं हमने भेजा था पॉलीमॉर्फिज्म देखिए जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट की बात करते हैं तो कहता है कि कोई भी लैंग्वेज यदि फोर फीचर्स को फॉलो करता है तो वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होगा और ये फोर फीचर्स हैं एब्स्ट्रैक्शन इनकेप्सुलेशन पॉलिमोरफिजम एंड इनहेरिटेंस तो एब्स्ट्रैक्शन और इनकेप्सुलेशन इस टॉपिक को हमने देख चुका था हम लोग समझ चुके थे और ये आ, इसका इसको हम लोग एक्सेस करते हैं यूजिंग द एक्सेस स्पेसिफायर अब हम लोगों को रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म तो पोलीमोरफिजम देखिए क्या कहता है पॉलीमोरफिजम डेराइव फ्रॉम टू ग्रीक टू ग्रीक वर्ड्स होगा है many, ना टू ग्रीक वर्ड्स पॉली एंड मॉर्फ विच मीन्स विच मीन्स यहाँ पे कहता है फॉर्म्स मीन्स मेनी है ना फॉर्म्स मीन्स मेनी और पॉली मीन्स पॉली एंड मॉर्फ्स विच मीन्स फॉर्म्स एंड मैनी सॉरी सॉरी यहाँ पर पॉली और मॉर्फिज में पॉली और मॉर्फ्स दो ग्रीक वर्ड है तो पॉली का मतलब होता है फॉर्म्स पॉली सॉरी 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 ये मिस्टेक है थोड़ा सा यहाँ पे पॉली का मतलब होता है मैनी ये यहाँ पे आना चाहिए और फॉर्म्स यहाँ जाना चाहिए तो पॉली का मतलब होता है मैनी एंड फॉर्म्स का मॉप्स uh, uh, का मतलब होता है फॉर्म्स ठीक है आप समझ गए एक बार फिर समझ लीजिए पॉली मतलब का मतलब होता है मेनी और मॉर्फ्स का मतलब होता है फॉर्म्स रेस्पेक्टिवली इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉलीमोर्फिज इज ऑफटेन एक्सप्रेस्ड बाय द फ्रेज वन इंटरफेस मल्टीपल फंक्शन है ना कि अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नजरिए से देखा जाए तो कहता है पॉलीमोर्फिज्म का मतलब वन इंटरफेस यानी रंग रूप एक जैसा है लेकिन उसके फंक्शनलिटी डिफरेंट्स होंगे टू अप्लाई पॉलिमोर्फिजम वी कैन रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी विद इन द फंक्शन यानी फंक्शन के बीच का यदि कॉम्प्लेक्सिटी है तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं ऑफ ए क्लास इन आवर प्रोग्राम अब देखिए uh, कि यहाँ पे देखिए क्या कहता है द इफ नेसेसरी यानी कि चलिए आप लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है ये मैं सीधा फोटो खींच करके डाल रहा हूँ एक्चुअली क्लास में लेता तो ये मैं नहीं यहाँ पे डालता चलिए इसको भी समझ लीजिए कहता है द कंसेप्ट ऑफ स्टेटिक पोलिमोर्फिजम इज ए टू द रोल ऑफ एमेन वुमेन हु कैन बी ए वाइफ ए मदर ए डॉटर ए सिस्टर एंड एंड एग्जीक्यूटिव एट द सेम टाइम अब देखिए कि एस्टेटिक पॉलीमोर्फिजम दो तरह का होता है एस्टेटिक पॉलीमोर्फिजम और डायनेमिक तो यहां पर हम लोग एस्टेटिक पोलीमोर्फिजम की बात करेंगे डायनेमिक पोलिमोर्फिजम ये हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस uh, में जब इनहेरिटेंस हमारा शुरू होगा तो वहाँ पे डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म शुरू होगा तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म जो यहाँ पे कर रहा है वो इसको हम समझ सकते हैं इज एनालोग टू द रोल ऑफ ए वूमेन एक वूमेन एक महिला का रोल हु कैन बी ए वाइफ एक वाइफ भी होती है एक मदर भी होती है एक डॉटर भी होती है एक सिस्टर भी होती है और अगर ऑफिस वर्क कर रही है तो एग्जीक्यूटिव भी होता है होती है एट द सेम टाइम यानी इंटरफेस एक है और उसके फंक्शनैलिटी जो है अलग अलग है यानी अलग अलग रिलेशन के लिए अलग अलग फंक्शनैलिटीज है है ना उसी तरीके से चलिए अब आगे क्या कहता है द मैकेजम ऑफ लिंकिंग ए फंक्शन विथ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग कंपाइल टाइम इज कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एस्टेटिक बाइंडिंग बाइंडिंग एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एस्टेटिक पॉलिमोरफिज्म जो इसमें नहीं लिखा हुआ है एस्टेटिक पॉलीमोरफिजम तो यही एस्टेटिक पॉलीमॉरफिजम का केस है देखिए यहाँ पे फंक्शंस जो होते हैं वो कहता है कि विथ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कंपाइल टाइम पे ही बाइंड हो जाता है रन टाइम का देखिए रन टाइम का एक केस हम लोगों ने देखा था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की रन टाइम पे मेमोरी कैसे एलोकेट होता है तो इनहेरिटेंस में भी हम लोग पॉलीमोरफिजम को यानी कि हाँ पोलीमोरफिजम को ही हम लोग डायनेमिक के केस में रन टाइम पे देखेंगे यहाँ पर जो भी हमारा हो रहा है वो कॉम्पाइल्ड टाइम पे ही होता है ठीक है इस बात को हमें ध्यान रखना है आगे कहता है सी प्लस प्लस यूज टू अप्रोचेज टू इम्प्लीमेंट एस्टेटिक पोलीमरफिज्म एस्टैटिक पोलीमोर्फिजम दो तरीके से फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो चलिए सबसे पहले फंक्शन ओवरलोडिंग को हम लोग देखते हैं कहता है फंक्शन ओवरलोडिंग इज ए लॉजिकल मेथड ऑफ कॉलिंग सेवरल फंक्शन विथ सेम नेम यानी कि अभी तक जो हम लोग प्रोग्राम बनाते थे तो उसमें ऐड नाम का हमारा एक ही फंक्शन होता था लेकिन अब कहता है कि विद द सेम नेम सेवरल फंक्शन यानी ऐड नाम के हमारे पास बहुत से फंक्शन हो सकते हैं बट डिफरेंट फंक्शन सिग्नेचर सिग्नेचर कहने का मतलब आर्गूमेंट इसको अच्छे से समझना है लेकिन सभी फंक्शन का आर्गूमेंट्स जो होगा वो अलग अलग होगा यानी कि इसी आर्गूमेंट्स को हम फंक्शन सिग्नेचर भी कहते हैं अब देखिए क्या कहता है द टाइप सीक्वेंस और नंबर ऑफ पैरामीटर्स फॉर ए फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन सिग्नेचर है ना यानी किसी फंक्शन को हम पैरामीटर एग्जाम्पल देखने पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा किसी फंक्शन को यदि हम जो भी पैरामीटर दे रहे हैं तो उसमें कहता है कि टाइप यानी कि हम इंट भेज रहे हैं किसी फंक्शन को किसी फंक्शन को फ्लॉट भेज रहे हैं एज ए आर्गूमेंट किसी को एज ए कैर भेज रहे हैं तो टाइप सीक्वेंस यानी कि अगर मैं दो पैरामीटर भेज रहा हूं तो पहले इंट और फ्लॉट भेज रहा हूँ पहले फंक्शन को दूसरे फंक्शन को आर्गुमेंट्स भेज रहा हूँ पहले फ्लॉट बाद में इंट तो दिस इज द सीक्वेंस और नंबर ऑफ पैरामीटर्स यानी किसी फंक्शन को एक पैरामीटर हम दे रहे हैं किसी फंक्शन को दो पैरामीटर दे रहे हैं तो ये तीनों चीज फंक्शन सिग्नेचर के रूप में जाना जाता है इसे हमें एज ए ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि द टाइप सिक्वेंस एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स फॉर ए फ्क्शन इज कॉल्ड फंक्शन सिग्नेचर अब कहता है एडवांटेज ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग तो कहता है एलिमिनेटिंग द यूज ऑफ डिफरेंट फंक्शन नेम यानी कि uh, अलग अलग फंक्शन नेम जो हम इस्तेमाल करते थे वो एलिमिनेट हो जाता है और एक ही नाम के कई सारे फंक्शन बना सकते हैं और सब फंक्शन का फंक्शन फंक्शनैलिटी यानी उसके डिफिनीशंस अलग अलग होंगे इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डिबक इजली इन दिस वे ईजी टू मेंटेन द कोड कोड को मेंटेन करना इजी हो जाता है तो डिबिंग भी इजी हमारा हो जाएगा उसके बाद कहता है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशन बिटवीन द प्रोग्राम एंड आउटसाइड वर्ल्ड है ना तो ये तो रियल वर्ल्ड इंटिटी का केस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट ही है टू एक्सप्रेस रियल वर्ल्ड इंटिटी तो अब आगे चलते हैं तो कहता है रूल्स फॉर ओवरलोडिंग ए फंक्शन फंक्शन को कैसे ओवरलोड करेंगे तो कहता है द कंपाइलर डज नॉट यूज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फंक्शन इंस्टेंसेस है ना यानी कि अगर हमारे पास एक ही नाम का दो तीन फंक्शन है तो उसके रिटर्न टाइप को इस्तेमाल कंपाइलर नहीं करता है एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिस्टिंग्विश करने के लिए यानी कि डिफरेंस पता करने के लिए मान लीजिए ऐड नाम का दो फंक्शन है एक फंक्शन का हमारा रिटर्न टाइप इंट है और दूसरे फंक्शन का रिटर्न टाइप हमारा वॉय है तो कंपाइलर दोनों को एक ही समझेगा है ना क्योंकि दोनों का नाम एक ही है यानी रिटर्न टाइप को यूज नहीं करता है तो किसको यूज करता है तो कहता है कि द आर्गूमेंट लिस्ट यानी कि फंक्शन सिग्नेचर ऑफ ईच फंक्शन इंस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट वो एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन से डिफरेंस होना चाहिए आर्गूमेंट लिस्ट यानी कि फंक्शन सिग्नेचर अब जैसे देखिए कैसे तो कहता है नंबर ऑफ पैरामीटर तो देखिए यहाँ पर एड नंबर हमारा एक एक फंक्शन है दूसरा भी एड नंबर का है लेकिन एक में क्या है एक ही हमारा आर्गुमेंट ले रहा है पहला एड नंबर फंक्शन और दूसरा एड नंबर फंक्शन दो ले रहा है एक इंट और एक फ्लॉट दूसरा कहता है डाटा टाइप ऑफ पैरामीटर यानी टाइप ऑफ पैरामीटर पहला वाला देखिए एक ले रहा है दूसरा भी एक ले रहा है डिस्प्ले नाम का फंक्शन लेकिन पहले वाले में इंट है और दूसरे बारे में कैर है तो कंपाइलर दोनों को दो फंक्शन मानेगा है ना या yeah, कॉलिंग के समय यदि हम कैरेक्टर टाइप आर्गूमेंट भेजेंगे तो ये नीचे वाला कॉल होगा और कॉलिंग के समय यदि हम इंटीजर वेरिएबल भेजेंगे एज ए आर्गूमेंट तो ये वाला डिस्प्ले फंक्शन हमारा कॉल होगा समझ में अब आ रहा होगा कि कंपाइलर कैसे एक ही नाम के फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट uh, करता है अगला कहता है कि तीसरा और लास्ट है सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर तो इसमें देखिए क्या कहता है पहले वाले में क्या है इंट और कैर है और दूसरे बारे में भी दो ही हैं इंटीजर कैर ही हैं लेकिन सीक्वेंस हमारा चेंज हो गया इसमें इंट कैर है और यहाँ पर कैर और इंट है तो आर्गूमेंट भेजते समय पहले हम इंटीजर आर्गूमेंट और फिर कैरेक्टर भेजेंगे तो ऊपर वाला डिस्प्ले कॉल होगा पहले कैरेक्टर कर, भेज देंगे बाद में इंट भेजेंगे तो नीचे वाला डिस्प्ले कॉल होगा अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए यहाँ पर क्या कहता है देखिए पब्लिक इंट मैक्स है ना पब्लिक इंट मैक्स हमारा एक क्या है हमारा यहाँ पे uh, यह हमारा एक फंक्शन है ठीक है ये फंक्शन हमारा देखिए यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे इंड इंड हो गया है और ये इसका रिटर्न टाइप क्या है इंड है थोड़ा सा चलिए बढ़िया से मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ तब समझते हैं अब यहाँ पर देखिए मैक्स नाम का एक हमारा फंक्शन है अब इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है ये क्या ले रहा है नंबर वन और नंबर टू दो वेरिएबल ले रहा है और दोनों का डाटा टाइप क्या है इंटीजर इंटीजर है अब इसमें कुछ नहीं है इफ uh, एल्स का कंसेप्ट है कि नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू तो नंबर वन को रिटर्न यानी ग्रेटर को मैक्सिमम वैल्यू को ये रिटर्न करेगा और यहाँ पर अगर ये गलत हो जाता है तो नंबर टू को रिटर्न कर देगा तो ये वाला कंसेप्ट जो है इंटरनल कंसेप्ट ये तो बहुत आसान है ये ये आप समझ रहे होइएगा बेसिक समझना है कि सिग्नेचर पर ध्यान दीजिए यानी आर्गूमेंट्स पर ध्यान दीजिए अब देखिए दूसरा हमारा जो हमारा फंक्शन uh, है उस इसका नाम मैक्स है और दूसरा हमारा है इसका भी नाम मैक्स है यानी सेम इंटरफेस हो गया अब देखिए अब इसका रिटर्न टाइप इंट है और इसका रिटर्न टाइप फ्लॉट है तो अभी आपने रूल फर्स्ट आपने क्या देखा कहता है कि द कंपाइलर डज नॉट यूज रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फंक्शन इंटरफेस यानी कि रिटर्न टाइप को वो इस्तेमाल नहीं करता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए यानी अभी तक दोनों मैक्स और मैक्स को जितना हम लोग समझे हैं या देखा है उस हिसाब से दोनों को कंपाइलर सेम समझ

Uh, क्या है नंबर ऑफ़ पैरामीटर तो सेम है लेकिन टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट अब यहाँ पे दो ये फ्लॉट वैल्यू ले रहा है और उसी तरीके से रिटर्न कर रहा है कंसेप्ट तो सेम ही है अंदर का मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न कर रहा है अब मेन में आ जाइए मेन में हमने क्या लिया इंटीजर दो वेरिएबल लिया फिर फ्लॉट का भी दो वेरिएबल लिया इंटीजर वाले में मैंने वैल्यू डाल दिया एक्स इजक्ल टू टेन वाई इज्कवल टू ट्वेंटी फिर उसी तरीके से एक्स वाई हमारा इंटीजर था और ए भी क्या है हमारा फ्लॉट है तो फ्लॉट दो वैल्यू डाल दिया ठीक है उसके बाद कैलकुलेटर अंडर कैलकुलेट अंडर स्कोर मैक्स का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया कैल वन अब कैल वन से हम क्या करते हैं यहां पे कॉलिंग भी हो रहा है और सी आउट भी हम करा रहे हैं दोनों ही काम हो रहा है यहां पर देखिए पहले ये अंदर का काम कॉलिंग का काम होगा है ना तो नया नया तरीका सीखते रहना चाहिए नए नए जो तरीके है वो अप्लाई करने चाहिए यहाँ पे कॉलिंग और सी आउट दोनों साथ साथ हो जाएगा तो अंदर आएगा सी आउट के लिए और आएगा तो देखेगा कि यहाँ पे फंक्शन कॉल है तो अब देखिए सी आउट के अंदर यदि फंक्शन कॉल करते हैं तो यहाँ पे इंड ऑफ लाइन देने की जरूरत नहीं है ठीक है इस बात को भी ध्यान रखना है अब यहाँ पे मैक्स फंक्शन को कॉल किया हमने तो कंपाइलर तो देखेगा किस मैक्स में जाना है इस मैक्स में जाना है हम मुझे या इस मैक्स में जाना है तो वो इसके लिए देखेगा कि व्हाट आर द आर्गूमेंट्स तो आर्गूमेंट्स क्या है यहाँ पर ए और बी और A और बी का डाटा टाइप क्या है फ्लॉट है है ना तो सो so डैट ये नीचे वाला जो है इस मैक्स में आएगा और अपना काम करके रिटर्न लेकर के आएगा रिटर्न वैल्यू यहाँ पर हमारा आउट में एज ए प्रिंट हो जाएगा उसी तरीके से आप दोबारा जब आउट होगा तो इसमें फिर मैक्स फंक्शन को कॉल होगा और एक्स वाई तो एक्स वाई इंटीजर है तो यानी कि ऊपर वाला जो फंक्शन है ये कॉल होगा तो आप फंक्शन ओवरलोडिंग समझ गए होइएगा कि हमारे प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन विथ सेम इंटरफेस हो सकता है और लेकिन उसके सिग्नेचर अलग अलग होंगे फंक्शन सिग्नेचर को अच्छी तरीके से हमने देखा नंबर ऑफ पैरामीटर्स टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स एंड सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स इससे आगे चलते हैं तो क्या है कहता है कि देखिए इस बात को ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहता है द रिटर्न टाइप इज नॉट ए पार्ट ऑफ फंक्शन सिग्नेचर रिटर्न टाइप फंक्शन सिग्नेचर का पार्ट नहीं होता है और सिग्नेचर नॉर्मल बैंक में क्या होता है सिग्नेचर से ही तो एक कस्टमर को दूसरे कस्टमर से डिफ्रेंशिएट किया जाता है है ना तो या या फ्रॉड फ्रॉड कस्टमर और रियल कस्टमर दोनों को आ, बैंक किससे डिफ्रेंशिएट करता है सिग्नेचर से ही तो यहाँ पे भी टर्म दिया गया है फंक्शन सिग्नेचर यानी कि दोनों का इंटरफेस सेम होगा लेकिन सिग्नेचर से वो पकड़े जाएंगे कि विच आर विच वन विच वन ऑफ द कॉल्ड इसमें से कौन सा एक कौन से एक को कॉल किया गया है या इनभोक किया गया है कॉलिंग और इन्वोकिंग एक ही टर्म है अब आगे क्या कहता है देयर फोर द फॉलोइंग टू डिक्लेरेशन कैन नॉट अकर इन द सेम क्लास एक ही क्लास में इस तरह के दो डिक्लेरेशन नहीं हो सकते यानी कि देखिए दोनों का सिग्नेचर क्या है सेम है लेकिन रिटर्न टाइप अलग अलग है तो इस तरह का डिक्लेरेशन नहीं हो सकता है इसको कंपाइलर एक ही चीज मानेगा और कंपाइल टाइम पे ही आपको ये एरर दे देगा क्यों कॉम्पाइल्ड टाइम पे एरर दे देता है क्योंकि उसका बाइंडिंग कॉम्पाइल टाइम पे ही हो गया है दिस इज ए स्टेटिक पॉलीमोर्फिजम और डायनेमिक पॉलीमोर्फिजम का केस जब हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस में तो वहां पर देखिएगा कि रन टाइम पे इस तरह के एरर को वो नहीं पकड़ पाता है चलिए आपने हमारा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है ना अभी से बारह से डेढ़ के बीच में मैं आज का पी भेजूंगा और फिर उसका आ, वीडियो भी आज मैं आज का आज ही डालने का प्रयास करूंगा और बिल्कुल डालने डाल ही दूंगा है ना उम्मीद रखिए सब कुछ सही रहा तो ये थोड़ा आंधी वगैरह आ जाता है इसलिए क्लास डिस्टर्ब हो जाता है चलिए वापस से आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए पुनः धन्यवाद आपको